साथियों को नमो बधाए। जय भीम साथियों, आज मैं आया हूँ मेहरौली, और मेरे साथ में जो हम सर्वे कर रहे हैं कि समाज के अंदर क्या स्थिति है, युवा वर्ग की क्या स्थिति है, ये मेहरौली है और वार्ड नंबर कितना है ये? 24। तो हमारे साथ में अरुण चंद्रा जी हैं, ये खुद भी एक पत्रकार हैं, और आपका स्वागत है सम्मानित अधिकार में, बहुत बहुत टाइम देने के लिए, क्योंकि ये मेयर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का। तो चंद्रा जी, ये बताइए कि यहाँ की स्थिति क्या रहेगी? स्थिति बहुत अच्छी है यहाँ पे, नगर निगम का जो मैं चुनाव यहाँ पे लड़ रहा हूँ, और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अपना आशीर्वाद मुझे दिया है जी, उसका मैं पूरा मान सम्मान करता हूँ जी। और वार्ड 24 की जो जनता है उनका रुझान बहुत बढ़िया है, सभी को फेस चेहरा चाहिए, क्योंकि अब से पहले करीब बात की जाए तो 25 साल से गाज़ियाबाद नगर निगम में हमारा क्षेत्र आता है, और 25 साल से आज तक भी यहाँ पर सीवर लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। जिस रास्ते से आप रोड से आए हैं, आपने रोड भी देखे होंगे, कितने कोई ख़ास रोड बने हुए नहीं थे, यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं। वहीं जो हमारी प्राथमिकता रहेगी, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी जो उद्देश्य है, क्योंकि मैं पेशे से भी पत्रकार हूँ, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं जनतंत्र न्यूज़ चैनल है, सैटेलाइट चैनल है, नेशनल चैनल है, ऑन एयर चैनल है, सभी के टीवी चैनलों पर आता है। तो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले शिक्षा की रहेगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो कोई भी अभी तक हाई स्कूल इंटर कॉलेज यहाँ पर कोई बना हुआ नहीं है। वहीं बात की जाए दूसरी, जो कम्युनिटी सेंटर होते हैं और स्वास्थ्य जो चिकित्सा का जो सामुदायिक होते हैं, केंद्र होते हैं, तो वो भी हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो वो भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। वहीं जो तीसरा सबसे जो अहम मुद्दा होता है, जो गंभीर मुद्दा होता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र या किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में या भारत की बात की जाए, तो सभी जगह पर आपको वृद्ध और विधवा और दिव्यांग जो लोग मिलेंगे, उनकी पेंशनें नहीं बन पाती हैं, उनको बनवाने का काम हमारा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। मेरे कुछ सवाल होंगे अटपटे सवाल, उन्हें दिल पर नहीं लेना है। यहाँ जो आपका क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से गाँव आते हैं? मेरे जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 24 का, सबसे जो पहला उधर पड़ता है, लास्ट में जाके नायफल गांव पड़ता है, फिर हमारा गांव बयाना पड़ता है, फिर आगे चलेंगे हाईवे की तरफ तो काजीपुरा गांव पड़ता है, काजीपुरा के बाद फिर मेहरौली गांव पड़ता है, मेहरौली के बाद फिर आपका लाल कुएं की करीब 4 कॉलोनियां हैं, उनके साथ साथ फिर एक यादव नगर है, वहाँ पर कुछ झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, पांडव नगर भी है हमारे यहीं पर, और लाल कुएं के पास जो कॉलोनी बताई है ये मैंने आपको, और उसके साथ साथ लैंडक्राफ्ट है, महागुण है, जैस्मीन है, तनुश्री है, और जो मेहरौली रेलवे स्टेशन है उसके पास जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ की बोट है, यानी टोटल मिला के इस पूरे वार्ड में 13 गांव और कॉलोनियाँ मिलाकर बनी हुई है। करीब टोटल वोट कितनी होंगी? अगर वोटों की बात की जाए तो 20,000 प्लस यहाँ पर वोट है। 20,000 के प्लस, यानी कि काफ़ी बड़ा वार्ड है। काफ़ी बड़ा वार्ड है जी। हाँ जी, हाँ जी। वर्किंग भी बहुत होगी? वर्किंग बहुत ज़्यादा। तो आप ये बताइए कि इसमें एससी की आबादी कितनी है हमारी? एससी की अगर आबादी की जाए तो एससी आबादी जो मेरे पूरे वार्ड में है करीब 6 से 6,500 के करीब आबादी जी, और अदर कास्ट। तो यादव कितने हैं? यादवों की बात की जाए तो यादव भी करीब 4,000 के समथिंग यादव भी है। जाट? जाट की भी बात भी की जाए तो इसमें 4 से 6,000 के करीब जाटों की। और बाकी जब ये मुस्लिम वगैरह? हाँ, मुस्लिम मेरे गांव में बयाने में भी हैं, नायफल गांव में भी हैं, और क्षेत्रों में कहीं जैसे लालकुआ की कॉलोनी है वहाँ पे भी हैं, या झुग्गी झोंपड़ी की जो यादव नगर है वहाँ पर भी काफ़ी मुस्लिम है। कितने कैंडिडेट हैं आपके वार्ड पर? मेरे वार्ड पर टोटल ही 10 कैंडिडेट आ रही है। 10 कैंडिडेट, तो ज़्यादातर फाइट किस से है? देखिए, अगर अब तक का जो मैं रुझान देख रहा हूँ और जिस तरह से मैंने मेहनत करी है, पिछले साल लॉकडाउन से ही मैं लगातार मेहनत में लगा हुआ हूँ, क्योंकि लॉकडाउन एक ऐसी आपदा आई थी कि उस समय सभी के दरवाजे, सभी के घर, सब गांव तक सील कर दिए गए थे, गांव में लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता था। तो और मैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो पेशे से मैं पत्रकार हूँ, तो पत्रकारिता का जो मुझे यहाँ पर अनुभव भी मिला है, क्योंकि उस समय रोड पर सिर्फ 3 लोग दिखते थे, या तो पुलिस दिखती थी, या पत्रकार दिखता था, या फिर डॉक्टर दिखते थे, और कोई नहीं दिखता था। तो मैं जन जन में गया हूँ, और मैंने उस समय भी लॉकडाउन में भी आर्थिक भी और शारीरिक भी सभी लोगों की मदद की है, ऑक्सीजन के सिलेंडर को लाने की मदद की थी, जो मैंने निःशुल्क सबको दिए थे जिसको जरूरत होती थी, मास्क मैंने जो मैं बांटता था, राशन की व्यवस्था मैं खुद कराता था। वो तो आपने जो करा इंसानियत के लिए, वो सभी लोगों ने करा है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आगे की जो वर्तमान में कैसे चुनाव जीतेंगे आप? भाई एससी कैटेगरी जो है वो ज़्यादातर जो है वो बीएसपी को सपोर्ट करती है, देखिए, और आप समाजवादी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है, तो कैसे लड़ेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, और बसपा से भी यहाँ पे एक कैंडिडेट को चुनाव जो लड़ाया जा रहा है।
सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो नगर निगम पार्षद का चुनाव होता है वो पार्टी का या सत्ता का चुनाव नहीं होता, वो क्षेत्रीय चुनाव होता है, चेहरे का चुनाव होता है। इससे ना तो कोई सरकार बनती है, ना ही कोई सरकार गिरती है, ना ही इसका कोई केंद्र में या राज्य पर कोई प्रभाव होता है। हाँ, ये चुनाव जो होता है आपकी गली मोहल्ले का चुनाव होता है। नगर निगम जो क्षेत्र आता है वो जो गली मोहल्ले का है, सीवर का है, पाइप का है, पानी का है, उसका ये चुनाव होता है। और यहाँ पर जो मैं अभी तक मान के चल रहा हूँ कि मेरे सामने ऐसा कोई एक भी प्रत्याशी नहीं है जो प्रत्याशी निगम में जाकर या अधिकारियों में जाकर नाली की, सीवर की या कोई अभी ऐसी बातों को प्रमुखता से उठा सके और अपने जो मजबूती से इस तरह का कोई काम करा सके। तो सभी जनता ने इस बार माना है, कह रहे हैं कि हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें चेहरे से मतलब है। क्योंकि रात बेरात मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है और कभी भी कोई भी मुझसे संपर्क कर लेता है, क्योंकि मैं कभी कोई एसी वाले रूम में नहीं रहता हूँ। मैं साधारण आदमी हूँ, साधारण सा व्यक्ति हूँ, अपने हमेशा चादरों के मकान में रहता हूँ और सभी के संपर्क में रहता हूँ। अब यहाँ पे जो आपने कहा ये छोटा चुनाव है, गली मोहल्ले का चुनाव है, इससे बड़ा भी एक चुनाव है जो मेयर का चुनाव चल रहा है, उसमें पूनम यादव जी का, आदरणीय सिकंदर जी का क्या हिसाब किताब बनेगा? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाजियाबाद में अगर मेयर की बात की जाए तो मेयर पर हमेशा बीजेपी का कब्जा रहा है। जी, ये आप भी मानते हैं कि बीजेपी का होल्ड रहा है। जी, लेकिन जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, जयंत चौधरी जी ने जी, और हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का गठबंधन है, उस तीनों गठबंधन के साथ चंद्रशेखर के द्वारा या अखिलेश जी द्वारा जो सिकंदर यादव जी की पत्नी पर भरोसा जताया गया है और उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो ये स्थिति आपको स्पष्ट 11 तारीख और 13 तारीख में दिख जाएगी कि जनाधार क्या है। क्योंकि सिकंदर यादव कोई छोटा नाम नहीं है, सिकंदर यादव एक वो नाम है जो हमेशा ज़मीन से जुड़े व्यक्ति हैं और हमेशा बहुजनों की बात करते हैं, हमेशा मिशन की बात करते हैं, और लगातार वो चाहे वो चुनाव लड़ें या ना लड़ें, वो समाज से वरिष्ठ समाज सेवियों में सिकंदर यादव का नाम आता है। वहीं अगर बात की जाए और पार्टियों की, तो भाजपा में तो आप खुद ही देख रहे हैं कि टिकट को लेकर जूते तक बज गए। जब उनका प्रदेश अध्यक्ष खुद आते हैं, उनको भी वहाँ पर अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है, पुलिस की शरण में जाना पड़ता है। वहीं माननीय सांसद जी की बेटी जो माननीय विधायक जी के पूर्व प्रतिनिधि हैं, उन पर भी मुकदमा दर्ज कराती है। तो भाजपा की स्थिति तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनका मॉडल डाउन है। और वहीं बात की जाए कि जिस तरह से नगर निगम में अपार घोटाले हुए हैं, जो 400 करोड़ रुपए का घोटाला है वो अब किसी से छुपा नहीं है। लॉकडाउन की स्थिति में बताऊं तो जिस समय हमारे जो विधायक जी मंत्री थे, उस समय रेंडिसम के जो इंजेक्शन थे वो तक ब्लैक हुए थे। नगर निगम के खुद हमारे गाजियाबाद की, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, सभी तमाम पेपरों में, अखबारों में, नेशनल चैनलों पर, सब पर खबर चली थी। गाजियाबाद की जो मेयर थी उनकी पोती तक को लॉकडाउन में जीते जी अस्पताल में जगह नहीं मिली और मरने के बाद शमशान घाट पर भी जगह नहीं मिल पाई। तो ये स्थिति उनकी, ये सत्ताधारियों की मैं बता रहा हूँ, ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड बता रहे हैं, ये अखबार बता रहा है, ये टीवी बता रहा है। तो जनता उनसे उठ चुकी है। आज भी गाजियाबाद की निगम की स्थिति वो है, 100 वार्डों में कहीं पर भी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है वो इस बार मुंह की खाएगा, क्योंकि सिकंदर भाई का बहुत प्रभाव है क्षेत्र में। दलित, मुस्लिम, यादव, RLD का गठबंधन, चंद्रशेखर भाई की जो मेहनत है, वो सभी मिलकर उनको चुनाव को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि कांग्रेस से भी मुझे नहीं लगता कि कोई भारी प्रत्याशी यहाँ पर उतारा गया है, वो भी एक तरह से डमी प्रत्याशी है। वहीं बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो आप खुद देख सकते हैं कि वो जो सितारा जी आई हैं, निसारा खान जी आई हैं, वो खुद आपके यहाँ से मुरादनगर क्षेत्र से जब चुनाव लड़ी थी विधानसभा का, तो 2,402 वोट थी यहाँ पर। जो मैं आपको एक बात और बता दूं, 28 लाख वोटों पर कैसे फाइट कर पाएंगी? उनके जो पति लड़े थे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे मुरादनगर से ही वो आती हैं जी, तो वो जब सभासद का चुनाव लड़ी थी, सभासद उसके पति लड़े थे, अयूब, क्या नाम है उनका, अयूब इदरीसी, तो उसका चौथे नंबर पर आया था, लेकिन समाज के दलालों ने उसे ले जाके विधायकी का चुनाव लड़ा। ये बात तो आप मुझे कहने की जरूरत नहीं थी, ये बात तो आपने ही खुद, ठीक है ना, मेरे क्षेत्र आता वो, और अब तो वो डमी कैंडिडेट उतारा गया ताकि बसपा की थोड़ी बहुत जो जो टिकट की जो दलाली करी गई है, जो धांधलेबाजी की गई है, या जो करोड़ों के पैकेज लिए गए हैं ना, तो वो तो एक अपनी इज्जत बचाने के लिए डमी कैंडिडेट ऐसा उतारा गया है ताकि बहुजन समाज पार्टी की थोड़ी बहुत जो इज्जत है वो बची रहे। अन्यथा आप देखिए, क्या बहन जी को ये बयान देने की क्या जरूरत, बहन जी ने खुद ही बयान दे दिया ट्विटर के माध्यम से कि मैं चुनाव प्रचार में नहीं जाऊंगी, इसका मतलब सीधा सीधा है।
इसका मतलब सीधा चुनाव लड़ क्यों रहे हो, जब तुम चुनाव में नहीं जाओगे तो बंद करो कैंडिडेट। ये सवाल तो मेरे भाई मेरे मित्र, ये सवाल तो आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से या उनके विधायकों से या उनके कोऑर्डिनेटर से पूछिए। विधायक उनके पास है नहीं एक बच्चा वहां नाम लेने को खाली, के उनके जो कार्यकर्ता है, जो लोनी से हमारा आदर्श भाई आया था, मट्टी का तेल छिड़क के तनु में आग लगाने के लिए तैयार था, टिकट जो पिछला आदमी पिछले बचपन से मेहनत कर रहा है और आज उसको इनके जिलाध्यक्ष ने नकार दिया कि मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फाइट में कौन है। सिकंदर भाई बहुत अच्छी स्थिति में है, भाभी हमारी पूनम जो है बहुत अच्छा चुनाव जीतेंगे। साथियों हमारी शुभकामनाएं भाई साहब के साथ में, और चर्चा पर्चा और खर्चा तीनों ये बढ़िया तरीके से करेंगे। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि इनका साथ दें, और 11 तारीख को आप सब लोग दोनों, आप लोगों को सिंबल में मिला है ना? हाँ, सिंबल हमें साइकिल का सिंबल है, मैं समाजवादी पार्टी से। जी तो सिंबल है, छोटा भी और बड़ा भी एक ही सिंबल। हाँ, है जी, हाँ जी, दोनों जहाँ भी साइकिल दिखे एक अरे 11 होते हैं और 11 का दबके बटन दबाओ, 11 तारीख 11 ही तारीख है, सबसे बड़ी बात 11 ही तारीख है और 11 हो जाएंगे। ठीक है जी, तो हमारी शुभकामना सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये थे हमारे साथ अरुण चंद्रा जी, और इनका समाजवादी पार्टी कार्यालय खुल चुका, सिकंदर भाई की पूरी सपोर्ट होगी। और सभी युवाओं से मेरा ये निवेदन है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात करते हैं कि राजनीति में हिस्सा अगर नहीं लेंगे तो अयोग्य व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करेगा। तो राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, चाहे छोटा चुनाव लड़ें बड़ा लड़ें, हर जीत पब्लिक के हाथ में होती है। जैसा आपका व्यवहार होगा वैसी आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्ध। नमस्कार साथियों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों माताएं बुजुर्गों, मैं अरुण चंद्रा वार्ड नंबर 24 से आपके क्षेत्र में चुनाव प्रत्याशी हूं। वार्ड नंबर 24 से सभी से मेरा अनुरोध है कि सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को चुनें जो आपके साथ हमेशा खड़ा रह सके, जो आपकी बात अधिकारियों से कर सके, जो आपको जो क्षेत्र है उसका विकास कर सके, जो आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति काबिल है, पढ़ा लिखा है, और जो अधिकारियों में आपकी बात को साथ साथ आपके जो तमाम काम हैं, चाहे वो दिव्यांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सीवर की बात हो, पानी की बात हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उसको अधिकारियों तक पहुंचा सके और अपना काम वो करा सके और आपके बीच जनता में वो एक अच्छा मैसेज दे सके। तो सभी से मेरी अपील है कि 11 तारीख को सभी अपने घरों से जाएं और 11 तारीख को छोटी वोट और बड़ी वोट दोनों पर साइकिल के निशान का बटन दबाकर आएं। धन्यवाद।